सबसे पहले मैं इन जोश वालों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको पता है बटरग्राउंड की सिचुएशन का? जुग्राफियाई तौर पर आपको मालूम नहीं कि यहां से सीधे गुजरता है? ये कितना सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है? विदाउट बगैर पीडीएम में इनोसी तक क्या कर सकते? आप यहां पे काम किस तरह कर सकते हैं? 7 महीने से आपने नामालूम मुकाम पर ऑफिस लिया हुआ है और ग्राउंड में आपने कोई भी एक्टिविटीज नहीं की है। आखिर आपका आपकी मशकूकी एक्टिविटीज क्या है? आप यहाँ पे चाहते क्या है? आप किस तरीके से काम करना चाहते हैं? नंबर दो, आपने बडराम के लोगों को छोड़कर पूरे सूबे से लाइक माइंडेड लोगों को क्यों इकट्ठा किया है? आपने पैसे लेकर उनको इकट्ठा किया है या आपका कोई और एजेंडा है? मैं बस बातें यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ और डीसी साहब जो है उसको बीमारी है, आप नहीं आ सकते, क्वारंटाइन है। मैं उससे कहना चाहता था और उसकी जेल में ये लाना चाहता हूँ, यहाँ पे एजेंसी वाले खड़े हैं, क्या मतलब है इसका? आप पूरे सूबे से कंपाउंड लेवल पे इकट्ठा करते हैं और आप एक मशकूक जगह पे 7 महीनों से वहाँ पे बैठे हुए हैं, आपका मकसद क्या है यहाँ पे? आप क्या चाहते हैं? दूसरी बात, हर प्रोजेक्ट का टाइम फ्रेम होता है। 7 महीने से आपने जिन जिन को तनख्वाह दी है ये आप अपने सोर्स से देंगे, किसी सूरत में हम ये नहीं मानते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट के फंड को जो आपने मुख्तलिफ लोगों ने आपको दी हुई है, इदारों ने, अगर ये आप 7 महीने से तनख्वाह ले रहे हैं और वो भी अपने लाइक माइंडेड लोगों को दे रहे हैं, ये हमें किसी सूरत में मंजूर नहीं है। ये एहतसाब हम करते रहेंगे। आप अपने जेब से दो हिसाब नहीं लगा या आपने किसी भी सोर्स से दो, हम यहाँ पे आप जिस दिन से आप लोगों ने काम शुरू किया और जिस दिन से बटग्राम के बेरोजगार नौजवानों को आप लोगों ने रोजगार दिया, हम एहतसाब करेंगे आपका, हम ऑर्डर करेंगे उसी दिन से आप देंगे। तो ये दो बातें खासकर एजेंसियों वालों के लिए जरूरी है कि ये सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, हम पुरामन लोग हैं, हम प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं, हम कोऑपरेटिव लोग हैं। अभी तक किसी प्रोग्राम में ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कोई कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा ये मशकूक सरगर्मियां और ये मुख्तलिफ जरा जिलों से अपने अपने लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा करना, इसने मुझे मजबूर किया कि मैंने इन बातें इस तरह पब्लिक इवेंट में कही। हालांकि डीसी साहब को कहना चाहिए था, डीसी साहब को इस पर एक्शन लेना चाहिए कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। समा खबर अटल्ला आखिरी दा कपकी झील भी गलाटी चार्ज भी कदा रोड नसरती बंदोल भी और नन सिर्फ मंगा एहतिजाज रिकॉर्ड को पल वार्निंग मंगा डिस्ट्रिक्ट इंतजाम नेता मुल्की नूर इदारों का रसोल वाड़ू जो मंगा दा तहरीक शुरू कर ले। अब ऐसा नहीं चलेगा, पर नुमने अतर सो पूरी चमंगा पल्ल बटग्राम हक अगस्त देने भी आगे पूरी दा तहरीक रुकावेगी ना। जनान टोल जिली इंतजामी दवैम चिक यवी अपनी पूरी यवी अब तो पूरी दूचे सुम्र जॉब्स की सुम्र खलक हायर कर दे आउटसाइडर कागा बिटरा ने शो और निवे इश्तिहार वरने को और जो बटग्राम हर पुला प्रियारिटी वरने करा विंशान ना अक्षर उस प्रोग्राम हम रोड बांधाओ और तो आगे पूरी बा बनवी जिसो पूरी जमंगा मुतालबा नहीं मन रेशी अकप आगे वाला शो और जो दफ्तर गिराओ मैंने चावड़े ने दे और फिर मखबर नोट के बाहुला मजहबी पार्टियां वाला नजर आउदी मैं खूब ब्याह मोता दिल खा लगी हूँ गदल तो जमुन होना माँ मजहबी खा लगा बार शो जिसका सुधा से कुल रखी दास किस में एक्टिविटीज दी मंग बब्याह हूँ तावन कोल तो नहीं उतार उस दर का पुरान न तरीके सरवायो इंतहाई एहतराम सरवायो जिस सोमरा खा लगता तो हर कर ले अगर वे ड्रा के कतासु ते पेशी अगस्ती वाले वापस वाला वर्क है अदली वो में आशुतन हाँ बस उस दिवस में बढ़ रहा मैं अन्ना मनो या प्राचीन का उन्हें इंशाल्लाह सिर्फ मेरा दिन शुरू हो या वो आपका टाइम दे यानी आप फिर उस तो बट लाइन अदर सिचुएशन बट इस तरीके से आमिर से मार भी तो दफ्तर गिराओ बोल की पत्राओ बबी उनकी आवाज ही पूरे बता निजाम पर हम जिसको पूरे जमुन का हक उसमें हक